नमस्कार, मैं सुमित्रा कोकराझार आसाम से। कोकराझार में निष्ठा एक ग्रुप लेडीज का ग्रुप है, उन लोग से मैं मिलने आई हूँ। चलिए आप सब लोग को मैं परिचय करा देती हूँ। निष्ठा ग्रुप से मेंबर है कुछ यहाँ पे। तो मैडम नमस्कार, कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप लोग का ये नाम सुना मैंने निष्ठा ग्रुप बोल के, ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एक किचन कर रही है अभी यहाँ पर। हम लोग थोड़ा जैसे स्नैक्स टाइप का कुछ बना रहे हैं। अच्छा, अपना हाथों से बना के ये बिक्री करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, सेल करने के लिए कर रही है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिताली शाह। अच्छा, ये ग्रुप का कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। तो चलिए अभी किचन में चलते, क्या क्या करते हैं आप लोग, क्या क्या बनाते हैं वो देखते हैं। अच्छा, पैकेटिंग भी करते हैं ये बना के आप लोग? कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें क्या क्या मिक्स है? इसमें सूजी है, मैदा है, कसूरी मेथी है, जुआइन, अजुआइन जो बोलते हैं वो भी है। अच्छा मैम, यहाँ पे आप क्या बना रही है? एलो जेलो बना रही हूँ। एलो जेलो नाम आप लोग ने दिया ना यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये कैसा है? मीठा ना नमकीन? मीठा है। क्या क्या मिक्स किया है यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक, शुगर और ऑयल मिक्स किया है। बहुत बढ़िया, अभी बनाएंगे फिर टेस्ट भी करेंगे। अच्छा, आप लोग ने ये किचन जो स्टार्ट किया कितना दिन हुआ है आप लोग का? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 महीने हुआ ये किचन हम लोगों का। अच्छा, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना काम करते करते? हाँ हाँ, बहुत। मैं भाभी कुछ बोलिए, अच्छा लगता है यहाँ के काम करने से? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग एक साथ काम कर लेते हैं हम लोग, हाँ एंजॉय करके चल रहा है। घर का काम ख़त्म करके सारा दिन, और अपना अपना कुछ हॉबीज़ भी है सब लेडीज़ों के बीच में, तो वो काम भी ख़त्म करके इन्होंने शाम के टाइम में एक किचन करने का प्लान किया है। तो ये टाइम कितने बजे से कितने बजे यहाँ पे करते हैं पूछते हैं मैडम से? कितने बजे से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं? 4 बजे से 8:30 तक। पैकेटिंग फिर यहीं पर होता है आप लोग का? यहीं पर होते हैं। आप जब स्टार्ट किया था आप लोग का सामान क्या क्या से स्टार्ट किया था आपने? कुछ क्या क्या बनाते हैं हम? वो जो मछली बनाते हैं, एलो जेलो, नीमकी, ये सब कुछ बनाते हैं। लड्डू बनाते हैं, नारियल का लड्डू बनाते हैं, चीरा है ना, पोहा, पोहा का, पोहा का लड्डू होता है। बहुत सारे कुछ बनाते हैं हम, तिल का लड्डू बनाते हैं। अभी तो मौसम सर्दी का मौसम आ रहे है ना, तो हम लोग पीठा भी बनाएंगे, हमारा बंगाली पीठा। ऑर्डर देने से भी आप लोग बना के करते, और ये डोर्स टू डोर्स देते डिलीवर ना आपके यहाँ पे आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, डोर टू डोर हम लोग देंगे। अभी देखते हैं हम लोगों का बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक ठाक चलेगी तो हम लोग आशा करते हैं डोर टू डोर भी हम लोग देंगे। अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग भविष्य में हम लोग ट्राई कर रहे हैं देने के लिए। इसका नाम एलो जेलो। ये बंगाली मिठाई है, बहुत पुराना मिठाई है ये, हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया है इसको बनाना। ओके। सब लोगों का परिचय नहीं है इसके साथ। अच्छा, हम लोगों ने कराया। बहुत बढ़िया, हम सब लोग को खाने को मिलेगा ये, जिसने खाया नहीं टेस्ट कर सकते है। जो एक बार खाते हैं वो बार बार चाहते हैं ये। अच्छा। यहाँ पे ये मट्ठी बन रही है अभी नमकीन, तो इसको ऐसे बनाते है ना मैम? यस, ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये गुजराती नमकीन है एक्चुअली में। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, खस्ता भी होता है इसमें। बहुत हाँ, शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो ये हाथ से ऐसे बनाते हैं, ये सब लोग का मेहनत देख रहे, मेहनत देखकर अच्छा लग रहा है। Hey।
कुछ लतले डुबलो सनातन आसाराना काल साराना पाइजे दर्शन लोदीर धारे चासे बंधु मिछाई करो आस झिरी झिरी बाहका नदी बोइचे बारो मास झिरी झिरी बाहका नदी बोइचे बारो मास चिंगरी माछेर भीतर करा ताई ढालिछि घी निजेर हाते भाप चारिछि भाबले हबे कि चिंगरी माछेर भीतर करा ताई ढालिछि घी निजेर हाते भाप चारिछि भाबले हबे कि चालोर चूला लम्बा कुचा खुली खुली जाय देखी सामेर विवेचना कार घरे समाय कालो जले कुचला तले डुबलो सनातन आसाराना काल साराना पाइजे दर्शन आसाराना काल साराना पाइजे दर्शन। थैंक यू। घर का काम हम सब खत्म करके आ रहे हैं। आप ना कोई प्रॉब्लम होता है घर का काम खत्म करके यहाँ पे आने के लिए? नहीं नहीं होता है। तो यहाँ के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अभी क्या बना रही है आप? मटरी। अच्छा, अभी यहाँ पे एलो जेलो फ्राई हो रहा है। तो मैम दिन में कितना करके क्वांटिटी आप लोग बनाते हैं यहाँ पे? 5-6 किलो और 3-6 kg 3-3 मिला के दोनों। अच्छा, अभी इसका फाइनल तो नहीं हुआ है ना, इसको और चीनी से कोटिंग करना पड़ता है। अच्छा, फिर पैकेजिंग। अभी फ्राई हुआ है। अच्छा, इसके बाद इसका भी दाम कितना है पैकेट का? 30 rupees। हम कितना पीस रहता है पैकेट में? 6 पीस। अगर इरादा नेक हो और मन में हो जुनून तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। ये ग्रुप एक मिसाल के तौर पे है। ये हुआ निष्ठा ग्रुप, लेडीज ग्रुप का मस्ती, खाना गाना बजाना सब कुछ हो गया। अभी आप लोग अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर देती हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं।